हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका अपना दोस्त अशोक जंगी लेकर आता हूँ अभी टेक्निकल वीडियोस। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बैकग्राउंड में यूट्यूब का यूज कर सकते हो, वो भी बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज किए। तो ये सब होता कैसे है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि गाने के बड़े शौकीन होते हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यूट्यूब पर वो गाना चलाएं और यूट्यूब पर गाना चलता रहे और वो अदर एप्लीकेशन को भी एक्सेस करते रहें। अब बेसिकली होता क्या है कि जैसे आप होम बटन प्रेस करोगे, जैसे जनरल यूट्यूब में, तो जैसे होम बटन प्रेस करोगे तो वहां पर आपका यूट्यूब में गाना चलना बंद हो जाएगा। लेकिन आज की इस वीडियो में आप ये जानोगे कि बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज किए, यानी कि मिलते बहुत सारे क्रैक हैं यहाँ पर, लेकिन बिना कोई क्रैक यूज किए, बिना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड किए भी आप यूट्यूब को बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ये सब होता कैसे है, ये सारा प्रोसेस आप जानने वाले हो आप अब इस वाली वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ज्यादा बड़ा प्रोसेस है नहीं। सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका डिफॉल्ट ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप क्रोम यूज करें, तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ क्रोम। होम बटन। क्रोम ओपन कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको जाना है सर्च बॉक्स में। सर्च और टाइप वेब सर्च। सर्च बॉक्स में जा लेने के बाद में यहाँ पर आपको टाइप करना है m.youtube.com या YouTube। YouTube 5% progress bar web view English us QWERTY keyboard hidden 100%। YouTube टाइप कर लेने के बाद में और YouTube ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा नीचे m.youtube.com का लिंक, या आप डायरेक्ट m.youtube.com टाइप करते हो तो वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। खैर, मैंने यहाँ पर YouTube टाइप किया था, मैं देख लेता हूँ लिंक कहाँ पर है। https://m.youtube.com web। सो सबसे पहले हमको यही मिल गया है, तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ इसको। 0% progress bar open with YouTube। यहाँ पर हमसे ओपन विथ पूछ रहा है, ओपन विथ हम करेंगे क्रोम। क्रोम 5% progress bar chrome 100%। अब यहाँ पर m.youtube.com ओपन हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको टच करना है टॉप राइट कॉर्नर पर, जहाँ पर मिलता है आपको मोर ऑप्शन बटन, जहाँ पे थ्री डॉट भी बने हैं, सेम ही ऑप्शन है। मोर ऑप्शंस पॉप अप विंडो फॉरवर्ड बटन डिसेबल। मोर ऑप्शन पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है डेस्कटॉप साइट। चलिए देख लेते हैं। ऐड टू होम स्क्रीन टर्न ऑन रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट। ओके, इसे ओपन कर लेना है। टर्न ऑन रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट 5% progress bar chrome more options button 74%। खुलने में थोड़ा सा टाइम लेता है ये। और फ्रेंड्स, मैं एक चीज और बता दूं, इसमें ऐड भी नहीं आता है जब आप बैकग्राउंड में इसे यूज करते हो। Translate options available near bottom of। अभी तक तो मैंने नहीं देखा इसमें कोई ऐड, और यदि आपके पास आता है तो आप मुझे जरूर बताइए। सो ये यहाँ पर ओपन हो गया है, अब हम चलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सर्च बॉक्स में हेडिंग्स लिंक्स कंट्रोल्स मार्गदर्शन स्किप नेविगेशन नेविगेशन एडिट बॉक्स खोज खोज ये बोल रहा है यहाँ पर सर्च, तो सर्च पे क्लिक करेंगे। शोइंग इंग्लिश, ये मैंने ट्रांसलेट यूज करता हूँ इसलिए ये हिंदी में हो गया है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या करना है आपको, जो भी आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहो यहाँ पर सर्च कर सकते हो। मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ ब्लाइंड हेल्प इनटेक, जो अपने चैनल का नाम है। पी पी ओ एम डिलीट ओ एल I N N blind D space G H B B help L P space U U delete I N N T B B tech C H। ओके, यहाँ पर टाइप हो गया है ब्लाइंड हेल्प इन टेक। एडिटिंग ब्लाइंड हेल्प इन टेक गो 22%। और मैंने सर्च कर दिया है। 64% English US QWERTY keyboard hidden translate options available near bottom of the screen 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर एक वीडियो क्लिक करूँगा जो मेरी लेटेस्ट वीडियो है, वो आपको मैं चला के दिखा रहा हूँ। मैं गाना नहीं चला सकता क्योंकि कॉपीराइट भी आ सकता है। PDF PDF सो PDF वाला ये जो वीडियो है मैं ओपन कर लेता हूँ। हाय दोस्तों, यह है कि PDF translator number sign file translator क्लिक करेंगे यहाँ पर और वीडियो हमारा स्टार्ट होने वाला है। मैं इसे कर देता हूँ एक बार सॉल्यूशन।
वीडियो स्टार्ट हो गया है। वॉल्यूम कंट्रोल्स फाइल ट्रांस ओके, वापस से आपको मिल गया ट्रांसलेट बटन, ट्रांसलेट बटन इस पे क्लिक करेंगे। अलर्ट फाइल ट्रांसलेटिंग 0%। देखिए फाइल, अब यहां पर आपको क्या करना है ये मैं बता देता हूं। मैं यहां पर होम बटन प्रेस करूंगा, इसकी फाइल है 37% होम स्क्रीन पेज होम स्क्रीन, और जैसे आप होम बटन प्रेस करते हो और ये ऑफ हो जाता है, यानी चलना वीडियो बंद हो जाता है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे से इसको कंट्रोल करने के लिए ओपन करना पड़ेगा नोटिफिकेशन पैनल। चलिए ओपन कर लेते हैं। ऐप स्क्रीन पेज वन ये नोटिफिकेशन पैनल यहाँ पर ओपन हो गया है। नोटिफिकेशन पैनल ओपन होने के बाद में यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे इसके। सीट कोलैप्स्ड सीट बैकवर्ड बटन बैकवर्ड कह रहा है, प्ले बटन प्ले कह रहा है, सीट फॉरवर्ड और फॉरवर्ड कह रहा है। तो यहाँ पर अभी ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रहा है, लेकिन यदि आप प्लेलिस्ट यूज करते हो तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट बटन और प्रीवियस बटन मिलता है। तो यहाँ पर जैसे मैं प्ले कर लेता हूँ, क्योंकि इसका एक और फायदा मुझे दिखाना है आपको। प्ले बटन होम तो हमने कर ही दिया, वीडियो भी प्ले हो गई। ये पूरी तरीके से इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अब ये आराम से बैकग्राउंड में यूज हो रहा है। अब आप यहाँ पर स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हो, जैसे मैं कर देता हूँ। बटन के आगे आपको बटन मिलेगा BTN व्यू बटन, व्यू यानी व्यू बटन। तो व्यू बटन पे क्लिक करेंगे। अभी भी ये वीडियो चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको और भी तरीके से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आप टाइम देखने के लिए बटन दबाते हो स्क्रीन ऑन करने के लिए, वो इस तरीके से स्क्रीन ऑन करिए। स्क्रीन ऑन किया, अब यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल जैसे यहाँ से प्रीवियस कर सकते हो, प्रीवियस डिसेबल, जैसा कि मैंने बोला प्लेलिस्ट नहीं चूज कर रहे हो, और यहाँ से पॉज कर सकते हो, नेक्स्ट बटन और नेक्स्ट कर सकते हो। सो यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये भी है इसका सबसे बड़ा एक फायदा। चलो पॉज कर लेते हैं। ओके, पॉज हो गया वीडियो। सो इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो, और ये काफी अच्छे से चलता है बैकग्राउंड में, ना तो इसमें कोई ऐड आ रहा है और अच्छे से बैकग्राउंड में यूज भी हो रहा है। तो इस तरीके से आप इसको बैकग्राउंड में यूज कर सकते हो। अब जल्दी से हम रिपीट कर लेते हैं इसका थ्योरेटिकल प्रोसेस, क्योंकि प्रैक्टिकल में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हो समझने में। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम ओपन किया, इसके बाद में आपको यूट्यूब टाइप करना है या m.youtube टाइप करना है। जैसे आपका यूट्यूब ओपन हो जाता है, वहां पर आपको m.youtube.com जहां पर लिंक मिलता है, उस लिंक को आप ओपन करोगे। वहां पर आपसे ओपन विथ पूछेगा, m.youtube.com की बात कर रहा हूं जो लिंक होता है, उसको जैसे आप ओपन करोगे तो वहां पर आपसे ओपन विथ पूछेगा। ओपन विथ आपको करना है क्रोम, और जैसे ही वो क्रोम में ओपन हो जाता है वहां पर आपको क्लिक करना है मोर ऑप्शन बटन पे। मोर ऑप्शन बटन पे जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर आपको डेस्कटॉप साइट को अलाउ कर देना है, यानी डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है वहां पर। जैसे ही आपकी डेस्कटॉप साइट ओपन होती है, बस वहां पर आपको सर्च करना है, और सर्च कर लेने के बाद में आप होम बटन प्रेस कर सकते हो, और होम बटन प्रेस कर लेने के बाद में आप नोटिफिकेशन से उसको कंट्रोल कर सकते हो, यानी प्रीवियस और नेक्स्ट और पॉज कर सकते हो, और आप स्क्रीन ऑन करके भी सारे कंट्रोल कर सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ आप चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो भी कमेंट हो वो नीचे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।